नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माय पाठशाला पर। और रोज की तरीके आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स आ गए हैं और इस करंट अफेयर्स में आपको मिलेंगे डिटेल सेक्शन, डिटेल के बाद वन लाइनर और वन लाइनर के बाद हम लोग करेंगे क्विज। तो सबसे पहली जानकारी जो है वो 13 सितंबर है आज तारीख, और सबसे पहली जानकारी है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मथुरा में दो योजनाओं का उद्घाटन किया है, या आप कह सकते हैं दो अभियान का उद्घाटन किया है। उन अभियान के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में मथुरा में, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये स्लाइड से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहां मथुरा में इस स्वच्छता पर एक व्यापक देशव्यापी जागरूकता अभियान स्वच्छता ही सेवा, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, सॉरी शॉर्ट फॉर्म SHS, ऐसा बोल दिया जाएगा SHS 2019 का प्रारंभ कहां से हुआ, तो आपको आंसर हो जाएगा मथुरा। ठीक है, चलिए बोला है। और इस प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने कहा है कि जो प्लास्टिक कचरा जागरूकता और प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जाएगा। फिलहाल इस अभियान 11 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है, और इसके जरिए इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, जो कि 2 अक्टूबर को इस बार मनाई जाने वाली है, पर भारत को प्लास्टिक कचरे से मुक्त बनाना है। केंद्र सरकार के पशुपालन और दुग्ध उत्पादन और पेयजल एवं स्वच्छता विभागों और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से SHS यानी कि स्वच्छता ही सेवा के शुभारंभ का आयोजन किया गया था। डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी कि आंतरिक व्यापार और उद्योग संवर्धन विभाग ने सीमेंट की भट्टों में 2 अक्टूबर 2019 तक को एकत्र प्लास्टिक अपशिष्ट को रिसाइकलिंग सुनिश्चित करेगा, और 2 अक्टूबर 2019 को ही राष्ट्रव्यापी श्रमदान के माध्यम से प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्र करेगा। तो इसके पीछे जो पूरी योजना है वो कुछ इस तरीके की है कि जो भी DIPP या DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, या सॉरी इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, तो इस डिपार्टमेंट के जो लोग होंगे ये पूरी तरह से इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनके जो भी कर्मचारी हैं वो श्रमदान करेंगे, एक तरह से वो लेबर करेंगे और प्लास्टिक कचरे को एकत्र करेंगे। सभी शहरों में जहां जहां इनके विभाग हैं वहां पर पार्कों कॉरिडोरों पर प्लास्टिक कचरा एकत्र किया जाएगा, फिर उन्हें सीमेंट प्लांट में भेजा जाएगा जहां पर प्लास्टिक कचरे का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जा सकेगा। तो फिलहाल पूरी तरीके से प्लास्टिक को मुक्त बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है नरेंद्र मोदी जी ने। कहां से शुरू किया है? मथुरा से। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका जो नाम है वो है स्वच्छता ही सेवा, या SHS भी आप इसे कह सकते हैं। डिप की बात करें तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशनल ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो ये उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का है, और वर्तमान समय में यह मंत्रालय श्री पीयूष गोयल के पास है। तो मथुरा उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय और DPIIT, सीमेंट के भट्टे और प्लास्टिक का कचरा, ओवरऑल ये पॉइंट है। ठीक है, चलिए अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है DRDO ने एक सक्सेसफुल एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया है। अभी तक ये परीक्षण के दौर पे थी और इसके परीक्षण में अब ये सफलतापूर्वक आ गई है। इस मिसाइल को क्या है कि कोई भी ट्राइपैड के जरिए लॉन्च कर सकता है। मिसाइल बहुत वजन में हल्की है, 14 किलो की है, तो जब आमने सामने की लड़ाई होगी तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। फिलहाल DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में एक आंध्र प्रदेश के कुरनूल में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसे MPATGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, नाम जरूर याद रखिएगा, का सफल परीक्षण किया है। इसे सैन्य बलों द्वारा बिना किसी वाहन के बड़े मिसाइल लॉन्चर से आराम से ऑपरेट किया जा सकता है। इसे ट्राइपॉड के जरिए किया जाता था, यानी कि किसी भी वाहन के इसको ले जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल इससे पहले भी इस मिसाइल के 3 परीक्षण किए जा चुके हैं, और यह मिसाइल अचूक निशाना साधती है और दुश्मन के टैंक का पीछा करते हुए उसे तबाह कर देती है। यह मिसाइल वजन में इतनी हल्की है कि इसे सैन्य बल द्वारा आसानी से उपयोग में लाया जा सकता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि आमने सामने की लड़ाई मिसाइल बेहद कारगर सिद्ध होती है, और सेना के लिए 2021 तक इस मिसाइल का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाएगा। इसे DRDO तथा भारत डायनेमिक लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसका वजन लगभग 14.5 किलोग्राम है तथा लॉन्चर के साथ यह लगभग 14.25 किलोग्राम की हो जाती है, 14.75 किलोग्राम की हो जाती है। तो लॉन्चर के साथ यह 75 कर लीजिएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है। वैसे इसका वजन जो है ऑलमोस्ट 14.5 किलोग्राम है और लॉन्चर के। तो फिलहाल DRDO जिसके हेड इस वर्तमान समय में जी सतीश रेड्डी हैं, जिन्हें अभी हाल ही में एक अवार्ड मिला था, अवार्ड से याद आया कि DRDO के चीफ जी सतीश रेड्डी को अभी एक इंटरनेशनल प्राइज मिला है। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आपका यही है कि जी सतीश रेड्डी को अभी हाल ही में कुछ महीने पहले
कौन सा इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय अवार्ड दिया गया था या अंतरराष्ट्रीय सम्मान दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे हो जाएगा। डीआरडीओ की दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना जो है वो डीआरडीओ के पास जो है वो इसके अलावा भी बहुत सारी मिसाइलें हैं, जैसे कि अमोघ, नाग, मैन पोर्टेबल टैंक गाइडेड मिसाइल, डीआरडीओ की एंटी टैंक मिसाइल, तो ये इसकी इसके पास और मिसाइलें हैं। ठीक है, डीआरडीओ का मुख्यालय बेंगलोर में है और इस तरीके से ये भारत के लिए, भारत की सेना के लिए कई सारे जो भी डिफेंस औजार होते हैं, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, उनको बनाने का काम करती है, उनके ऊपर रिसर्च का काम करती है। आगे चलते हैं, अगली जानकारी है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में, लेकिन इसके अलावा भी ए बी ए बी ओ, हमारे पास चार रक्त समूह होते हैं जिनकी हम पहचान करते हैं और लैंडस्टीनर ने इसको खोजा था। तो फिलहाल ग्रुप की बात करें तो इसके अलावा भी एक ग्रुप होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं स्लाइड में। पिछले कुछ समय से मुंबई के हेल्थ केयर परिदृश्य में बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक दुर्लभ प्रकार का रक्त समूह है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। संयोग से अस्पतालों में बॉम्बे ब्लड ग्रुप की मांग अचानक बढ़ गई है, जबकि इसकी आपूर्ति दुर्लभ है। सबसे सामान्य चार रक्त समूह होते हैं ए बी ए बी और ओ, हम सभी जानते हैं, क्योंकि दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज पहली बार वर्ष 1952 में मुंबई, तब बॉम्बे बोला जाता था, कि डॉक्टर वाई एम भेंडे ने की थी। इस वजह से इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है और पूरे वर्ल्ड में फेमस है। मैं आपको इसके इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताता हूं। हमारे पास चार ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी ए बी और ओ। एंटीजन की बात करें तो एंटीजन के जरिए ही पता चलता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस ग्रुप का है। टाइप ए में एंटीजन ए होता है, टाइप बी में एंटीजन बी होता है, जबकि टाइप ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं। टाइप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता, ना तो ए ना तो बी, जबकि इसमें एच नाम का एक एंटीजन पाया जाता है। एंटीबॉडीज की बात करें तो अगर एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी हमेशा एंटी बी बॉडी एंटी होगा, और अगर एंटीजन बी होगा तो इसमें एंटी ए एंटीबॉडी होगा, और अगर ए बी की बात करें तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। टाइपो की बात करें तो ये हमें ध्यान में रखना होता है, जब हम किसी को ब्लड देते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको मिलान करते हैं। क्या मिलान करते हैं कि जिसका एंटीजन होगा उसी तरीके का ब्लड ग्रुप उसको दिया जा सकता है। मतलब ये कैन नॉट हैव बी एंड ए बी ब्लड, लेकिन अगर आप इन्हें ए ग्रुप देंगे तो मिल जाएगा, ओ देंगे तो टिल जाएगा, क्योंकि अगर ए के संपर्क में बी एंटीजन आ जाए तो थक्का जम जाएगा, यानी कि रक्त वहां पर जम जाएगा और बॉडी उस रक्त को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। इसी प्रकार से बी वाले को बी दे सकते, बी और ए बी नहीं दिया जा सकता, जबकि बी और ओ दिया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि सर्वदाता होता है, वो ओ होता है। ओ वाला किसी को दे देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम देते नहीं है, जो जिस ग्रुप का होता है उसको ही देते हैं। ए बी ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, यानी कि सभी से ब्लड ले सकता है। फिलहाल इसके अलावा भी एक बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है कि जिसमें प्रत्येक लाल रक्त कोशिका की सतह पर एक एंटीजन होता है, जो यह निर्धारित करने में मदद करता है कि वह किस समूह संबंधित है। ये हम समझ गए हैं, बॉम्बे रक्त समूह जिसे एच एच बी कहा जाता है, में एंटीजन एच को व्यक्त कर पाने में कमजोर है। मतलब ये एच एंटीजन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, जिसका अर्थ है कि इसकी आरबीसी में कोई एंटीजन एच नहीं होता। विश्व स्तर पर 4 मिलियन से किसी भी एक व्यक्ति में एच एच रक्त प्रकार पाया जाता है। 4 मिलियन में से किसी एक व्यक्ति में, 4 मिलियन मतलब 40 लाख लोगों में से किसी एक आदमी के अंदर आपको यह ग्रुप मिलेगा। दिक्कत यह है कि अगर आप देखें तो ये ओ का अपोजिट होता है। जैसे ओ जो होता है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन इसमें एच कैपिटल एच एंटीजन पाया जाता है, जबकि एचएच ग्रुप जो होता है इसमें कैपिटल एच एंटीजन नहीं पाया जाता। समस्या यह है कि इसमें अगर हम किसी भी प्रकार के ग्रुप को देते हैं, इन चारों में से कोई भी ग्रुप इसको देते हैं या जिसको रक्त की जरूरत पड़ती है, तो ये उसको, उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है और हम उसको रक्त उसको नहीं दे सकते। बाकी सारी प्रक्रिया सामान्य रहती है, सारी चीजें होती है। अब एक नया फैक्ट आपको मैं बताता हूं, जो दक्षिण एशियाई देश है, दक्षिण एशियाई देश में ही भारत आता है, भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये सब जो इधर वाले देश हैं वो सारे के सारे दक्षिण एशियाई देश हैं। तो दक्षिण एशियाई देशों में जहां पर संस्कृति कुछ इस तरीके की है कि जहां पर हम सामाजिक रूप से विवाह कर लेते हैं, सामाजिक रूप से सगे संबंधियों से भी विवाह हो जाता है, ऐसा अरब कंट्रीज में भी देखा जाता है और बाकी सभी जगह देखा जाता है, तो वहां पर जब कोई बेबी पैदा होता है या कोई बेबी होता है तो उसके अंदर इस तरह का ग्रुप आने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए इसके इस ब्लड ग्रुप के अधिकतर मामले आपको दक्षिण एशियाई देशों में मिलेंगे। लेकिन तब चौंकाने वाली बात हो गई जब मुंबई में इसके अचानक से इसकी मांग काफी बढ़ गई, कई सारे लगातार मामले आपके एचएच ग्रुप के आने लगे, यानी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप के आने लगे। तो एक नई जानकारी थी आपके लिए और उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है। ये एक अलग तरह का ब्लड ग्रुप है जिसकी खोज
भारत में हुई थी 1952 में मुंबई में वाईएम भेंडे। क्यों दक्षिण एशियाई देश ज्यादा परेशान है या ज्यादा दक्षिण एशियाई देशों में भी इसी तरह के ग्रुप पाए जाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि सेम गोत्र में या सेम परिवार वालों से या परिवार में ही शादी हो जाने से, सब विवाह हो जाने के कारण जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके पास ये ब्लड ग्रुप होने की संभावना बढ़ जाती है। अगली जानकारी है दोस्तों यूएनसीसीडी कॉप 14। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर नोएडा में आपके यूएनसीसीडी कॉप 14 की आपकी जो वो है कि एक सम्मेलन आयोजित हो रहा था, तो फिलहाल ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुई है संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यानी कि यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के कॉप 14 यानी कि 14वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन, ये बैठक जो है ये ग्रेटर नोएडा में अभी खत्म हुई है। इसमें कुछ बातें सामने आई हैं कि भारतीय चीता, गुलाबी सिर वाली बतख और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि राजस्थान का पक्षी है, राजकीय पक्षी है, के भारत में मरुस्थलीकरण के कारण विलुप्त हो सकते हैं तथा कई अन्य जानवर एवं पक्षी भी गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में आ गए हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक के अनुसार मरुस्थलीकरण न केवल जानवरों का बल्कि संपूर्ण जैव विविधता को प्रभावित करता है, इससे सूक्ष्म जीव से लेकर मानव तक शामिल है। इस मरुस्थलीकरण की पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है और यह भी बताया गया कि भारत भूमि क्षरण के बढ़ते संकट का सामना कर रहा है। वनों की कटाई, अत्यधिक खेती, मिट्टी के कटाव और आर्द्र भूमि के क्षय के माध्यम से इसके भूभाग का 30% से अधिक हिस्सा खराब हो गया है, जबकि भारत में कुछ सबसे कमजोर पारिस्थितिक तंत्र पाए जा सकते हैं। तो आप समझिए कि जैसे कोई भी अगर फूड चेन में कोई भी एलिमेंट हट गया, फूड चेन तो आप समझते ही होंगे कि घास खाता है टिड्डा, टिड्डे से फिचड़िया, फिचड़िया फिर चिड़िया को कोई सांप खा लेता है, सांप को कोई मोर खा लेता है, फिर इस तरीके से धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है, मोर को बाघ खा लेता है, तो मतलब धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाता है। कई तरह की फूड चेन होती है हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जो हमारे समाज को चलाए रखने के लिए काफी जरूरी होती है। तो फिलहाल अगर इनमें से कोई भी मरुस्थलीकरण का मतलब ये हुआ कि कई दिनों से कहीं पर बारिश नहीं हो रही, कहीं पर कहीं ज्यादा बारिश हो रही है, तो मरुस्थलीकरण का मतलब बहुत दिनों तक जलवायु परिवर्तन होने की वजह से मरुस्थलीकरण जो भी हमारा चीजें होती हैं, जो भी हमारा पर्यावरण होता है उसमें इस तरह का परिवर्तन आ जाए कि वहां पर डेजर्टिफिकेशन ज्यादा बढ़ जाए। तो इस तरह से चीजों से लड़ने के लिए यूएनसीसीडी की स्थापना की गई थी और ये इसकी 14वीं बैठक थी जो कि अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुई थी। और अगर हम यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, उस समय वर्तमान समय में 197 देश हैं और इसका जो मुख्यालय है वो बॉन जर्मनी में है, जबकि इब्राहिम थियाओ मोरिटिना इसके जो हैं वो वर्तमान समय में सेक्रेटरी है। मोरिटिना नाम थोड़ा सा अलग है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ करिएगा क्योंकि एग्जैक्टली मुझे नाम से स्पेलिंग का अंदाजा नहीं लग रहा है। इब्राहिम थियाओ मोरिटिना है जो वो यूएनसीसीडी के हेड है वर्तमान समय में। और ये कॉप 14 कहां आयोजित हुई, ग्रेटर नोएडा में, किससे जुड़ी हुई है, मरुस्थलीकरण को रोकने से जुड़ी हुई है संस्था ये। अगली जानकारी है ओणम। ओणम हम सभी जानते हैं कि ओणम केरल का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, तो अभी हाल ही में दक्षिण भारत विशेषकर केरल का सबसे लोकप्रिय पर्व ओणम प्रायः सितंबर माह के पहले पखवाड़े में मनाया जाता है, यानी कि पहले 15 दिन में मनाया जाता है। इस वर्ष ओणम का त्यौहार सबसे खास दिन तिरु ओणम पूरे केरल में 11 सितंबर को मनाया गया। यह राज्य का कृषि पर्व कहलाता है और इसे मुख्य तौर पर मलयाली हिंदू मनाते हैं। ओणम मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम क्या है, चिंगम वो नहीं है जो हम खाते हैं, चिंगम वो च्युइंगम होता है, ये चिंगम है। तो पहले महीने चिंगम से शुरू होता है और इसलिए इसे मलयाली हिंदू का नववर्ष भी कहा जाता है। लगभग 10 से 12 दिन के इस त्यौहार का पहला और आखिरी दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस वर्ष ओणम 1 सितंबर को शुरू हुआ और 13 सितंबर को समाप्त होगा। यह त्यौहार असुर राजा महाबली के पुनः घर आगमन का भी प्रतीक है। ओणम पर 26 पकवानों वाले सद्या को केले के पत्ते पर खास तरीके से व क्रम में परोसा जाता है, जिसे सद्या थाली भी कहते हैं और यह ओणम का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन होता है। तो फिलहाल ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, केरल का प्रमुख त्यौहार है। बाकी जानकारी आपके सामने है कि इसको पहले महीने मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम से शुरू करना है और तिरु ओणम ये पूरे केरल में अभी हाल ही में 11 सितंबर को मनाया गया है। अगली जानकारी है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मथुरा में अभी HSS के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अब उसके बाद वहीं से ही इन्होंने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसकी घोषणा कुछ दिन पहले इन्होंने की थी। अब इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है, इसके तहत 50 करोड़ से ज्यादा पशुओं को टीके लगाए जाएंगे और इस अवसर पर राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान केंद्र और बाबूगढ़ वीर केंद्र की भी शुरुआत की गई है। तो ये कहां पर है, कहां पर, मथुरा में। मथुरा में क्या है, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम और बाबूगढ़ वीर केंद्र, ये कहां पर है, मथुरा में। इस पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
इस कार्यक्रम के तहत 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुजन्य माल्टा ज्वर से बचाओ, पशुओं द्वारा उत्पन्न माल्टा ज्वर से बचाव के लिए हर वर्ष दुधारू पशुओं को 3,60,00,000 मादा बच्चों का टीकाकरण भी किया जाएगा। यह कार्यक्रम 2024 तक जारी रखा जाएगा। जिन पशुओं का टीकाकरण हो जाएगा उनको पशु आधार यानी कि यूनिक आईडी देकर उनके कानों में टैग लगा दिया जाएगा और पशुओं को बकायदा स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किया जाएगा। तो पशुओं को मिलेगा स्वास्थ्य कार्ड, पशुओं को मिलेगा आधार कार्ड, पशुओं को मिलेगा टैग। लेकिन ऐसा किया क्यों जा रहा है? उसकी सबसे बड़ी वजह है माल्टा ज्वर। माल्टा ज्वर क्या होता है? माल्टा ज्वर जो भी दुधारू पशु होते हैं उनके दूध में जब पॉस्चराइजेशन किया जाता है, पॉस्चराइजेशन लुई पाश्चर द्वारा प्रस्तावित एक शुद्ध करने की प्रक्रिया है या दूध को की जीवाणु से बचा सूक्ष्म जीवाणु से बचाने की प्रक्रिया है। इसके जरिए क्या किया जाता है कि कभी कभी दूध को 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम से कम 30 मिनट के लिए उबाला जाता है और फिर उसे अचानक से ठंडा कर देते हैं। अगर ऐसा ना करें तो कम से कम 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसे ले जाएं कुछ सेकंड के लिए और फिर उसे तुरंत ठंडा करते हैं। तो ये दोनों ही प्रोसेस है जिसके जरिए पॉस्चरीकरण किया जाता है। पॉस्चरीकरण यानी पॉस्चराइजेशन से दूध शुद्ध हो जाता है। उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इस टेम्परेचर चेंजमेंट की वजह से मर जाते हैं या जीवित नहीं रह पाते या निष्क्रिय हो जाते हैं। अब पॉस्चराइजेशन से कभी कभी कुछ जीवाणु बच जाते हैं और ये जीवाणु हमारे अंदर आ जाते हैं और हमें माल्टा ज्वर से पीड़ित कर देते हैं। माल्टा ज्वर काफी खतरनाक हो सकता है जिससे मतलब कपकपी, वैसे तो ये ज्वर की तरीके ही है, पूरी तरह से फीवर वाले पूरे लक्षण आपको नजर आएंगे। लेकिन माल्टा ज्वर दुधारू पशुओं के दूध के पॉस्चराइजेशन के सही ढंग से ना होने की वजह से होता है। तो ऐसा हो कि पॉस्चराइजेशन कई कंपनियां कर रही हैं, नहीं कर पाई, हो पाया नहीं हो पाया, तो वो उससे बचने के लिए इनको टीके लगाए जाएंगे और इस तरीके से कुछ मिला के जानवरों को भी स्वस्थ रखा जाएगा और मनुष्यों को भी प्रॉपर तरीके से स्वस्थ रखा जाएगा। ठीक है, और यहां पर 74 कर लीजिएगा, सॉरी 63 एंड 74। ठीक, तो ये है पशु धन योजना यानी कि पशु जन कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसकी स्थापना कहां से की गई है? मथुरा से की गई है। अगली जानकारी है, गुजरात ने, अभी हम सबको पता है कि मोटर व्हीकल एक्ट आया है 2019, जिसमें शायद आपकी गाड़ी पर इतना जुर्माना कर दिया जाए जितने की गाड़ी ना हो। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी कड़े रूल बनाए जाते हैं, कोई भी रेगुलेशन बनाई जाती है, तो मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई सड़क पे गड्ढे हटाओ तब हम चालान भरेंगे, सड़कों पर रोशनी नहीं है तब हम चालान भरेंगे। देखिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के कर्तव्य से मैं आपको सही चीज ही बताना चाहूंगा और ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं ही केवल जिम्मेदार हूं, आप भी जिम्मेदार हैं। तो गाड़ी के कागज रखना, गाड़ी के लाइसेंस रखना, बिना लाइसेंस की गाड़ी ना चलाना, बिना हेलमेट की गाड़ी ना चलाना, बिना इंश्योरेंस की गाड़ी ना चलाना, ये सब होने चाहिए। हर चीज को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। एक बार आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी समझें इसलिए इतने भारी जुर्माने लगाए गए हैं। लेकिन कोई भी जुर्माना आप लगाइए उससे पहले अपने सिस्टम को भी थोड़ा सा दुरुस्त रखिए। ऐसा ना हो कि 5,000 के जुर्माने के चक्कर में जहां पहले 100 रुपए देकर छूट जाते थे, आजकल 5,000 रुपए जुर्माने के चक्कर में 500 रुपए में भी वो छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। तो फिलहाल भ्रष्टाचार बढ़ेगा लेकिन अगर आप सिस्टम प्रॉपर तरीके से लागू नहीं करेंगे। लेकिन गुजरात सरकार ने क्या किया है कि उनको शायद इतना ज्यादा जुर्माना बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने सारे जुर्माने की रकम आधी कर दी है। लगभग उन्होंने क्या कर दिया है, पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि गुजरात सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यातायात के नियमों के उल्लंघन के लिए दंड में लगभग 50% की कमी कर दी है। नए जुर्माने की घोषणा मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने की है और राज्य में यातायात उल्लंघन के लिए नए नियम 16 सितंबर से लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में नया मोटर वाहन लागू करते हुए भारी भरकम जुर्माना राशि घोषित की थी, लेकिन राज्य सरकार ने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए जुर्माना राशि में संशोधन किया है। इसके साथ ही सरकार ने एक नया नियम लगाया है कि गांव में 50, शहर में 60 और महानगरों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड भी सीमित कर दी है कि इससे ऊपर की कोई भी गाड़ी नहीं चलाएगा। तो एक तरह से देखा जाए ये सारे जो जुर्माने वगैरह लगाए गए थे ये सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से रोकने के लिए लगाए गए थे। लोग अगर सड़क को सड़क बनाकर चलेंगे, जी हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, आपने सही सुना, सड़क को सड़क बनाकर चलने का मतलब ये है कि वो ये समझेंगे कि सड़क है और कोई भी आ जा सकता है, ये ना समझेंगे कि मैदान है। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस के पास आपको ऐसे नजारे मिल जाएंगे जिनकी गाड़ियों में इतनी आवाज होती है, इतनी ज्यादा आवाज होती है कि अगर आप उन्हें सुन लें, सुनते ही होंगे, तो लगता नहीं है, वो शायद दूर से ही बताना चाहते हैं कि मेरे पास बुलेट है। अरे भाई बुलेट लेके क्या करोगे, बुलेट है तो अपने घर में चलाओ ना, यहां पर हमारे पास क्यों लेके आए हो। तो फिलहाल गुजरात का याद रखिएगा, गुजरात ने अपने यहां क्या कर दिया है, लगभग 50% तक जुर्मानों को कम कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि किसी के ऊपर जुर्माना लगे, इसलिए लाइसेंस वगैरह लेकर चलिए। इंडिया की चौथी रैंक आई है भाई साहब वर्ल्ड में, आई हो आपके देश में मलेरिया होने के सबूत के तौर पर आप दुनिया के चौथे ऐसे देश बने हैं जहां पर मलेरिया जो है
वो सबसे ज्यादा है। आपको पता है हम केवल दक्षिण अफ्रीकी देशों से ही पीछे हैं। विकास की तो हम बहुत ज्यादा बात करें लेकिन मलेरिया से छुटकारा नहीं पा पा रहे। आप समझिए भारतीयों की सीधी लड़ाई मच्छर से है, वो भी एनी प्लीज मलेरिया बात करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि द लेशन पत्रिका ने अभी हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 के मलेरिया के कुल मामले में भारत विश्व में चौथा स्थान पे है। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में दुनिया भर में जितने मलेरिया के आंकड़े आए थे उनमें करीब 1 करोड़ आंकड़े भारत से थे, जो कि विश्व का 4% था, यानी कि 4th नंबर पे था। भारत में इस बीमारी से संक्रमित विश्व का 4th सबसे बड़ा देश था और सिर्फ अफ्रीकी देशों नाइजीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और मोजाम्बिक से ही पीछे हैं हम, वरना हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। मलेरिया इतना कसके है हमारे यहां। रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में 2017 में तमिलनाडु के कुल मामले में 71% सिर्फ राजधानी चेन्नई में सामने आए हैं। मेट्रो सिटी है भाई साहब। रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व से मलेरिया का उन्मूलन संभव है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले WHO ने एक सर्वेक्षण जारी किया था जिसके जरिए उन्होंने अर्जेंटीना, जहां शायद कभी मलेरिया का बहुत ज्यादा प्रकोप था, अर्जेंटीना और अल्जीरिया, ये बात मैंने आपको बताई थी एज ए करेंट अफेयर, डेली करेंट अफेयर। देखिए डेली करेंट अफेयर पढ़ने का यही फायदा होता है, सब कुछ कुछ छूटता नहीं है, सब कुछ दिमाग में चलता रहता है। तो अर्जेंटीना, मेरे जैसे आदमी को जिसको शायद कुछ साल पहले तक ये नहीं पता था कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी होती है, आज करेंट अफेयर्स की वजह से इतना सारा चीजें पता हो गई है कि मैं किसी भी जीएस वाले टीचर से टक्कर ले सकता हूं। तो फिलहाल अर्जेंटीना और अल्जीरिया अभी हाल ही में मलेरिया मुक्त देश घोषित किए गए हैं। यहां मलेरिया का कोई भी मामला अभी 2019 में नहीं पाया गया है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत 2017 के आंकड़ों के अनुसार 4th नंबर पर है। मलेरिया मादा एनिफ्लीज नामक मच्छर से फैलती है, बचपन में बहुत पढ़ाया गया है। आगे चलते हैं, अगली जानकारी है स्लीनेक्स। स्लीनेक्स को लिखेंगे तो श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, तो ये 2019 का संयुक्त नौसैनिक युद्ध अभ्यास हुआ है। ये भारत और श्रीलंका के बीच में 7 सितंबर से 14 सितंबर के बीच किया जा रहा है। यह स्लीनेक्स का 7वां संस्करण है। इससे पहले भी देखिए जब भी आप कोई युद्धाभ्यास देखें तो 2 क्वेश्चन वहां से बनते हैं। इसमें अभी डीप पे नहीं पूछते हैं, इसमें ये नहीं पूछेंगे कौन सा जहाज भाग ले रहा है, इसमें यही पूछेंगे ये जो अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच में, श्रीलंका और भारत के, कौन सा संस्करण है ये जरूर पूछने लगे हैं। तो ये 7वां संस्करण है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी का पढ़ने का मन हो तो पढ़ लेना, वरना नहीं पढ़ना हो तो बाकी तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। तो इस अभ्यास में श्रीलंकाई नौसेना के 323 अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास के श्रीलंकाई नौसेना के 2 ऑफशोर पेट्रोल वेसल SLNS सिंधुराला, SLNS सुरानीमाला, क्या नाम है, को भेजा है। ये दोनों वेसल यानी कि पोत विशाखापट्टनम में पहुंच गए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच में समुद्री सहयोग में वृद्धि करना है। अब विशाखापट्टनम में पहुंचे हैं तो यहीं पर हो रहा होगा युद्धाभ्यास। जी हां, विशाखापट्टनम में ही यह युद्धाभ्यास हो रहा है। इस अभ्यास में संयुक्त प्रशिक्षण, अनुभव का आदान प्रदान, समुद्री खोज तथा बचाव कार्य, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यास में संयुक्त प्रशिक्षण, समुद्री क्षेत्र की गश्त इत्यादि आदि गतिविधियां भी शामिल हैं। तो जो दिमाग में रखना है वो है स्लीनेक्स, श्रीलंका, इंडिया 7वां संस्करण, विशाखापट्टनम। बस आगे चलते हैं, अगली जानकारी है, ये है नवदीप सिंह सूरी और इन्हीं के दादाजी थे नानक सिंह। अब नानक सिंह कौन थे? नानक सिंह की एक कविता अभी छपी थी कुछ महीने पहले, जिसके लिए मैंने आपको बताया था, बुक छपी थी उनकी खूनी वैसाखी, बहुत चर्चा में रही थी क्योंकि उस टाइम ये छप नहीं पाई थी जलियांवाले बाग के टाइम, उन्होंने उसी टाइम लिख दी थी ये कविता। लेकिन खूनी वैसाखी और ये उनके पोते हैं जो कि भारत के राजदूत रहे हैं। तो फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात में भारत के दूत नवदीप सिंह सूरी को फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ जायद 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें UAE के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान द्वारा, नाम कितना गजब है, राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान भारत और UAE के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंधों के विकास और सहयोग में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो नवदीप सिंह सूरी UAE में भारत के राजदूत। और ये है आज की अगली जानकारी। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि वैज्ञानिकों ने लंदन में क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार एक पोटेरोसोर की एक नई प्रजाति का खुलासा किया है। यह अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला जानवर है और यह भी कहा गया है कि ये शायद डायनासोर के जमाने से है। यह प्रजाति एजर्डा किल्ड समूह के पेट्रोसोर से आती है। पेट्रोसोर का नाम क्रायोड्राइकन बोरियस है सामान्य तौर पर, जिसे फ्रोजन ड्रैगन ऑफ द नॉर्थ विंड के रूप में जाना जाता है। शोधकर्ताओं ने जर्मन ऑफ वेटरबेट पॉलिटियोलॉजी में बताया कि क्रायोड्राइकन बोरियस अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला जानवर है, जिसके पंख 10 मीटर और वजन 250 किलोग्राम है। अरे बाप रे,
तो 2.5 टन का जानवर और 10 मीटर के पंख, 10 मीटर बहुत होता है भाई पंख के मामले में देखा जाए तो, एक तरह से ये उल्टा फिरता डायनासोर है। फिलहाल इसका नाम याद रखिएगा क्रायोड्रॉकन बोरियस सामान्य तौर पर, और लंदन के क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार ये पेट्रोसोर की एक नई प्रजाति है। तो फिलहाल सबसे ज्यादा सबसे बड़ा उड़ने वाला जानवर कौन है, क्रायोड्रॉकन बोरियस, जिसे सामान्य तौर पर इसे जाना जाता है। कर लेते हैं आज के वन लाइनर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता पर एक व्यापक देशव्यापी जागरूकता अभियान स्वच्छता ही सेवा का शुभारंभ कहां से किया है, मथुरा से। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल से कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया है, तो उसका नाम है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ढूंढ के मारने वाली मिसाइल है ये। कि पिछले कुछ समय से मुंबई के हेल्थ केयर परिदृश्य में कौन सा ब्लड ग्रुप काफी चर्चा में रहा है, तो उसका नाम है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। देखिए कभी कभी मैं आपको ऐसे करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊंगा ना जो यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की 14वीं बैठक कहां संपन्न हुई, ग्रेटर नोएडा। हाल ही में केरल में सबसे लोकप्रिय पर्व ओणम कब मनाया गया था, 11 सितंबर को, वैसे यह सितंबर के पहले पखवाड़े में मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की है, मथुरा में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमों के उल्लंघन के लिए दंड में कमी कर दी है, गुजरात में। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में मलेरिया के कुल मामलों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है, 4th। सिलिनेक्स अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया जा रहा है, भारत और श्रीलंका। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के दूत नवदीप सिंह सूरी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ द जायट 2। हाल ही में शोधकर्ताओं के अनुसार अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला जानवर कौन सा है, तो वो है क्रायोड्रॉकन बोरियस, क्रायोड्रॉकन बोरियस। अगली बात है, अब जो हम लोग करते हैं वो रोचित रहे, आज हम क्विज करेंगे, और सबसे पहले क्विज आपके सामने है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता पर एक व्यापक देशव्यापी जागरूकता अभियान स्वच्छता ही सेवा का शुभारंभ किया है, कहां से, मथुरा से। देखिए क्विज मैं आपको क्यों कराता हूं, क्विज मैं आपको इसलिए कराता हूं आप रिपीट कर लो, ऑप्शन के बीच से ढूंढना सीखो, जब कभी भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा और बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो वो है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। पिछले कुछ समय से मुंबई के हेल्थ केयर परिदृश्य में कौन सा ब्लड ग्रुप चर्चा का विषय बना हुआ है, तो है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की 14वीं बैठक कहां संपन्न हुई है, तो वो ग्रेटर नोएडा। हाल ही में केरल का सबसे लोकप्रिय पर्व ओणम त्यौहार कब मनाया गया, 11 सितंबर को। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की है, मथुरा से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमों का उल्लंघन के लिए दंड में कमी की गई, तो वहां पे गुजरात ने, उन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो भारी जुर्माने हैं उनको 50% तक कम कर दिया है। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 2017 में मलेरिया के कुल मामलों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है, 4th, जो कि विश्व के सर्वाधिक जहां पर मलेरिया मामले पाए गए हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ अफ्रीकी देशों से पीछे हैं। सिलिनेक्स अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया जा रहा है, तो वह है भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, इसमें ऑप्शन में नहीं है तो आप इसे भारत और श्रीलंका कर लीजिएगा, 3rd ऑप्शन, भारत और श्रीलंका के बीच में किया गया है। मिस प्रिंटिंग। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में भारत के दूत नवदीप सिंह सूरी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन्हें किया गया है फर्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ द जायट। अगला, हाल ही में शोधकर्ताओं के अनुसार अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला जानवर कौन सा है, तो वह है क्रायोड्रॉकन बोरियस, जो कि लंदन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में बताया, लंदन के क्वींस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में बताया कि इसका पंख जो होते हैं वो 10 मीटर होते हैं, 250 किलोग्राम इसका वजन होता है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपने इसे पढ़ रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए, आप सभी दीजिए, मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं, कुछ लोग सोचते हैं यार हम क्या करेंगे फीडबैक देके, या हम क्यों दें, हम इसको पढ़ाने दो, पढ़ा रहा है पढ़ाने दो, हमें क्या करना है कमेंट करके, तो ये सब मत सोचा करें, थोड़ा सा कमेंट करते हैं तो मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ता हूं, लेकिन जो कुछ भी मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं, जो कुछ मेजॉरिटी चाहती है, मैं वो करने की कोशिश करता हूं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।